थैंक यू। नाम बना लिया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? साथ ही आपकी फैमिली भी आई है, मैं जैसे इंट्री किया तो मैं देखा आपको और आपके फैमिली को भी देखा। थैंक यू। आपकी फैमिली भी आई, आपका हौसला बढ़ाना। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि मतलब किसी भी घर का बच्चा अगर कुछ बड़ा करता है, कुछ अच्छा करता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो चीज़ उसको मतलब हमेशा आगे लेके जाती है, तो उसमें फैमिली हमेशा प्राउड ही फील करती है। और वैसे ही मेरे फैमिली ने भी मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया है हमेशा से, बचपन से ही। और आज मुझे जब वो टॉप सिक्स में भी देख रहे हैं ना, तो वो मुझे ऑब्वियसली विनर ही मान चुके हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने वो सपना पूरा कर दिया जो वो चाहते थे कि, क्योंकि मुझे बचपन से ही म्यूज़िक में लगाव था। और वो देखकर उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ अच्छा कर गया तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने ये देखा, तो उसके बाद उनके मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मतलब वो हमेशा बहुत ही खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। फाइनल्स पे तो मतलब आना हमारे लिए ड्रीम ही जैसा था, इसलिए मतलब इनफैक्ट सबके लिए ड्रीम जैसा था, इसलिए इस बार का हमारा फिनाले द ड्रीम फिनाले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देश भर के ऐसे ऐसे कोने से बच्चे आ रखे थे जिनके बहुत सारे सपने थे, और वो उस सपने का शुरुआत ये इंटरनेशनल स्टेज था, और वहाँ से उनका शुरुआत होकर यहाँ तक पहुँचना, जो एक पूरी जर्नी जो हमारी चली है, वो शायद हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं शो ख़त्म होने के बाद। पर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे अपना लिया है जो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है यहाँ से जाने के बाद, और हम अपने म्यूज़िक को इतना ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे आगे जाके कि इंडियन आइडल का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो कि हम इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे। अच्छा, छः में से ओके। तो कंटेस्टेंट्स में सबसे ज़्यादा लगाव मतलब मुझे शिवम से है टॉप सिक्स में, और वैसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, बस अभी मैं टॉप सिक्स की बात कर रहा हूँ, पर उसमें शिवम है, चिराग है, और जो हमारे तीन बॉयज़ हैं उनका तो बहुत ही हंसी मजाक चलता रहता है। बाकी लड़कियों में तो मैं सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हूँ और उनसे कनेक्ट रहता हूँ, उनसे हंसी मजाक चलता रहता है, मस्ती भी चलती है, म्यूज़िक भी चलता है, और इतना ज़्यादा हम इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को, तो वो तो भूल ही नहीं सकता। थैंक यू। उनका बहुत ही बप्पीदा का बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक गाना था वो, थोड़ी सी जो पीली है, वो उनका जो बनाया हुआ मतलब किशोर दा की आवाज़ में जब उन्होंने मतलब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि उस गाने को उतना ही जस्टिफाई करना पड़ेगा जितना किशोर दा ने किया होगा बप्पीदा को समझ कर, कि वो गाना कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो उनके गाने को जस्टिफाई करना इज़ नॉट ईजी, नहीं है वो, उसको समझना पड़ता है। और हमारे मेंटर्स जो हैं, हमारे सर हैं जो हमको सिखाते हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है इस चीज़ को करने के लिए, तो तब जाके वो गाना इतना खिल के आया है। और वो देखकर भी मुझे खुद को इतना खुशी रहता है, क्योंकि ये गाने को निभा पाना इतने अच्छे तरीके से शायद बहुत आसान नहीं था, पर मैंने जब मेहनत करी तो उस पर होना बहुत ही मतलब एक प्राउड जैसी फील आती है खुद पर भी कि ये मेहनत काम आती है। मैंने कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ली है अपने लाइफ में म्यूज़िक की, मैंने सिर्फ मैं भजन से ही शुरू किया था अपना म्यूज़िकल करियर। और उसके बाद अरिजीत सिंह मतलब ऑब्वियसली आज के टाइम पे सबके फेवरेट हैं, पर मेरे इसलिए है क्योंकि मेरे घर वालों ने भी इतना ज़्यादा सुना है ना उनको, कि हर बार वो उनके ज़ुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अरिजीत सर का ही नाम रहता है, कि तुम सीखो तो उनसे ही सीखो, तुम कुछ अगर अडॉप्ट कर रहे हो अपने अंदर तो इनसे ही अडॉप्ट करो। किसी एक को आइडल मानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनके ही बनाए एक पथ पर चलते रहो तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम पे आके सक्सेस मिल ही जाएगी, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ उनको पढ़ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने कर लिया है, तो उनको जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनको मिलूंगा भी, और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत मतलब ज़रूरी है मेरे लिए। ग्रैंड फिनाले तो बहुत देखो, 2 अप्रैल को हम अपना ड्रीम फिनाले सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और आप सबके वोट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमें वोट करेंगे तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को विनर बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो पूरी जर्नी हमने अब तक ड्रीम फिनाले तक की देखी है, वो बहुत ही ज़्यादा
मस्ती भरी भी रही है, कठिन भी रही है, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। इतने 7 लाख सिंगर्स हैं पूरे इंडिया में जो इतने मतलब रोज स्ट्रगल करते हैं, तो इस स्टेज जो हमको मिला है ये इसकी बहुत इज्जत है और इस इज्जत को हमें हमेशा बरकरार रखना है, मैंने ये सीखा है। और जो चीज़ जो लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं, जो हमें आज आइडल बनाए हैं, जो जिन्होंने हमें आइडल का टैग दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जानना कि उनके पीछे कितनों की मेहनत है। तो उन सभी क्रूज़ को, उन हमारे गुरु को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपना टैलेंट इतने बड़े मंच पर रिप्रेजेंट करें और हम अपने फैमिली को प्राउड फील करें। मैंने एक्चुअली रियलिटी शोज़ मैंने इतने ज़्यादा मुझे लगा नहीं था कि मैं जाऊँगा, पर मैं इंडियन आइडल को ही बहुत ज़्यादा ही मानता था और इंडियन आइडल से अलावा मैं शायद किसी को नहीं चुनूँगा। और इसके बाद मेरी जर्नी सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए रहेगी, ना कि रियलिटी शोज़ के लिए, सिर्फ खुद के लिए मैं करूँगा। और इंडियन आइडल जो मुझे एक टैग दिया है, जो एक स्टेज दिया है, उसको प्राउड फील कराने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। बेशक मैं कोशिश करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खुद के एल्बम्स और खुद के गाने जो आते रहेंगे इसके बाद बैक टू बैक, मैं कोशिश करूँगा एक्टिव रहूँ। और उसके बाद मूवीज़ में गाने भगवान की कृपा रही तो मिल जाएंगे, और मेरे फेवरेट जितने भी एक्टर्स रहेंगे उनके लिए मैं गाना गा पाऊँ। उनके लिए मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं कभी कभी एक्टिव भी नहीं रह पाया उनके लिए, पर उसके बावजूद उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे और इतना आज यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे यहाँ तक के सफ़र में आधे से ज़्यादा हाथ तो उन्हीं का ही है, तो थैंक्स टू देम, सारे ऋषियंस को, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू सो मच।